क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के सबको कब्जे में लेने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया। और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। घटना थाना बेवर क्षेत्र के ग्राम पीपल खिरिया से जुड़ी है। थाना बेवर क्षेत्र के ही नगला बल्लूपुर निवासी 35 वर्षीय रविंद कुमार पुत्र सिपाही लाल पीपल खिरिया गांव में मजदूरी का काम सर्विस प्रधान के यहां उनके खेत में बनाए जा रहे मकान पर चल रहा था। सुबह करीब 6 बजे वे अपने कपड़े धुलकर नीचे उतर रहा था, तभी 11,000 हाई टेंशन की लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पुलिस को मिली तो तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने मृतक के सबको कब्जे में लिया और सबका पोस्टमार्टम कराया। मृतक यहाँ आई, उनका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले? बल्लूपुर। थाना कौन सा लगता है? बेवर। अच्छा, ये कैसे क्या घटना हुई और कहाँ पर हुई है? ये पीपल खिरिया, वहाँ हमारा ठेका था। किस चीज का ठेका था? मकान का। किन क्या मकान बन रहा था? सर्विस प्रधान। कहाँ पर बन रहा था? पीपल खिरिया में, बगल से है, गांव के किनारे। अच्छा, खेत के आसपास। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? अच्छा, ये कपड़े धो रहे थे, कपड़े धोने से इनका किसी तरीके से टच हो गया, 11,000 लाइन थी बगल से। अच्छा, मौके मौत हो गई है? अस्पताल आए थे आप? नहीं, अस्पताल नहीं, मौके में नहीं हो गई। कब की घटना है ये? सुबह 6 बजे। क्या मजदूरी का कार्य करते थे? मजदूरी का।